गाइस कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी, मीठी चटनी की रेसिपी बताऊंगी। ये इमली और आलू बुखारे से बनती है। ये मैंने ब्राउन वाली इमली मार्केट से ली थी। ये तकरीबन हाफ पाव है। इमली को मैंने भिगो के रख दिया था। अब इसमें से सारी गुठलियाँ आपने निकाल देनी। आलू बुखारा मैंने अभी डाला है बीच में। इस तरीके से आपने इसको छील के सारी गुठलियाँ निकाल देनी है। ये बहुत मज़े की बनती है पराठों के साथ, कोई भी फ्राई चीज़ के साथ, चना चाट के साथ, दही भल्लों में बहुत मज़े की लगती है। ये आपकी चीज़ में हर टाइम मौजूद होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ के टेस्ट को बहुत इन्हेंस करती है। सारी गुठलियाँ अलग कर ली हैं। ये सिर्फ आलू बुखारा है बीच में और ये इमली है। सारी गुठलियाँ करना है शामिल पानी। ये एक पाव से कम इमली थी और तकरीबन 15 से 20 आलू बुखारे थे। तकरीबन 3 कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है। इसमें 3 कप पानी डालने के बाद आपने डालनी है इसमें चीनी। चीनी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि इसमें इमली की क्वांटिटी ज़्यादा है आलू बुखारे से। गाइज ये झटपट से रेडी होने वाली रेसिपी है और बहुत मज़े की लगती है। हर चीज़ के साथ, पराठों के साथ, किसी भी स्नैक्स के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। गोल गप्पों में, चना चाट में, फ्रूट चाट में, हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इसको बॉयल आ रहे हैं। इस दौरान आपने इसको हिलाते जाना है क्योंकि ये साथ चिपके ना, आपके बर्तन के साथ चिपके ही नहीं है। इसको बहुत बॉयल आ रहे हैं। आपने इसको काफ़ी देर तक पकाना है। हर 2-4 मिनट बाद आपने इसको देखते रहना और आपने इसको उबलने नहीं देना। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीनी है तो ये साथ भी चिपक सकती है, इस वजह से आपने इसको हिलाते जाना है। इसी रेसिपी से आप इसका इमली आलू बुखारे का शरबत भी बना सकते हैं। इसी रेसिपी से नेक्स्ट करेंगे और आप ये देख सकते हैं इसके भी बहुत ही पतली लेयर है, हमने इसकी मोटी लेयर रखनी है। गाइस आप ये देख सकते हैं ये पक पक के बहुत कम रह गई है। आप चाहें तो पानी कम भी डालें अगर आपने ज़्यादा जल्दी बनानी है तो। अगर इतना पानी डालना है तो आपको कम से कम तकरीबन 1 घंटा इसको चूल्हे पर रखना पड़ेगा, इसको पकाना पड़ेगा। अभी भी इसकी लेयर मुझे मोटी लग रही है, बारीक लग रही है, तो आपने अपने हिसाब से इसको उतारना। लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगी। अब चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और ये इसकी थिकनेस देख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की भी थिकनेस बना सकते हैं। आप अगर पहले उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। आप इसे किसी भी अच्छे से शीशे से जार में रख के फ्रिज में रख दें या आप 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। ओके गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।